भुक्ति और मुक्ति दोनों के लिए काम किया यहाँ पर सर्प ने। अच्छा, इस दृष्टांत से क्या पता चलता है? सर्प तो कितना शक्तिशाली है, चूहा तो उसका भोजन है, लेकिन जब परिस्थिति विकट पड़ी तो सर्प को भी चूहे से राम राम करनी पड़ी। बिल्कुल उसी प्रकार अरियोपी संदेहा सती कार्यार्थ भर। और पर दुख की बात वही ये है कि आजकल के समय में शत्रुओं से मित्रता का व्यवहार करना तो दूर की बात, लोग तो अपनों से ही परायों वाला व्यवहार करते हैं। और अपने घमंड के लिए कभी ऐसे अगर मौके आ भी जाते हैं, कोई ऐसे क्षण आ भी जाते हैं कि कभी परिवार वालों के सहयोग से आसानी से बात बन सकती है, तो केवल अपने अभिमान के लिए उनसे दूर होना पसंद करते हैं, लेकिन उनका साथ लेना पसंद नहीं करते, उनके लिए थोड़ा सा झुकना पसंद नहीं करते। ये आज कई परिवारों के विभाजन का कारण बन रहा है। ये इस प्रकार के मुद्दे हैं जिन पर हमको विशेष ध्यान देना है। छोटी छोटी बातों पर हम एक दूसरे की ऊंची नीची बात करने लग जाते हैं, किसी ने थोड़ा सा कुछ क्या कर दिया बस उस बात पर उसका बुरा ही सोचे। ये आज मानसिकता बन गई। मतलब हम देखते हैं कि मान लो यदि किसी से भूल भी हो गई तो आज हम देखते हैं कई लोग गलती ही मान करके और उसका फिर बुरा करने में लग जाते हैं, जबकि उससे गलती से भी हो सकता है। ऐसा हर व्यक्ति जानबूझ के नहीं करता, लेकिन मतलब गलत बात पर विश्वास आजकल जल्दी होता है लोगों को, और जब कोई अच्छी बात बताता है तो शंका होती है लोगों को, क्या सच में ऐसा होगा। ये स्थिति है आजकल, जबकि होना उल्टा चाहिए था। उन्हें क्या चाहिए था? किसी की प्रशंसा हो रही हो, किसी की तारीफ हो रही हो, तो उसकी अच्छी बात पर विश्वास करके, उसका चिंतन करके, उसका मनन करके उसको अपने जीवन में हम उतारते तो हमारा भी कल्याण होता। लेकिन उसकी बुरी बातों का चिंतन मनन करके और अपने अंदर भी कोई बात घुसाते रहते और फिर सोचते हमारा कल्याण हो और उसका बुरा हो। अब अपना कल्याण कैसे होगा जब बातें ही वो अंदर जा रही है? तो हमको ये विचार करना चाहिए। इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने कहा है दूसरों की बुराई कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुराई जब करते हो तो बात तो आपके अंदर ही चल रही है ना, उसको बता तो आप ही रहे हो ना, अपने मुख से, अपने हाथों से, अपने कानों से सुन के, सब चीजें तो आपके द्वारा ही हो रही है, प्रभावित तो आप ही हो रहे हो। तो ये सब बातें आज एक परिवार के संरक्षण के लिए बहुत काम की। और जो परिवार अब बिखरते चले जा रहे हैं, हम देखते हैं कि अपने माता पिता से दूर लोग रहते हैं और बाद में जब बहुत समय बीत जाता है और जब उनकी यादें आया करती हैं कि हाँ कभी आज यदि उनका साथ होता तो हम कहाँ से कहाँ होते, क्योंकि जीवन में माता पिता का बहुत बड़ा महत्व है। आप कितने ही आगे बढ़ जाओ, कितने ही बड़े हो जाओ, लेकिन उनसे बड़े नहीं हो सकते। तो ये सब बातें हमको बाद में पछतावे का कारण बनती हैं। इसलिए आज यदि हम अपने परिवार में सामंजस्य और प्रेम का यदि ये जो नाता है यदि धारण करते हैं तो हमको वो आगे वो जो एकता है, वो जो एक साथ रहने का भाव है, वो आगे हमको लाखों इसके फायदे दे अनेक अनेक। मेरा हमारी माताओं से निवेदन है, प्यारी प्यारी माताओं से आप थोड़ा थोड़ा आगे सरक आइए, इससे पीछे वाले जो सज्जन है या जो माताएं आ रही है उनको बैठने में थोड़ी सहूलियत हो सके, थोड़ा आरामदायक उनको स्थान मिल सके, बैठ सके उनको। और ये प्रसंग सुन करके देवताओं को समझ में आ गया। उन्होंने देवताओं ने क्या किया, दैत्यों के पास गए, उनको राजी किया और समुद्र मंथन के लिए आने लग जाते हैं। अब जब समुद्र मंथन के लिए जो मंदराचल पर्वत जो मथानी है वो उठाने के लिए गए थे, अब गणेश जी का बंधन नहीं किया, और कोई भी शुभ काम करने से पहले अगर गणेश जी का बंधन नहीं करोगे तो भैया फिर गणेश जी तो भैया अपना हाथ हटा लेंगे, देखो भैया अब तुम्हें संभालो, उल्टा ही उल्टा होगा फिर तो। गणेश जी ने सोचा भाई अच्छा ऐसा कर रहे हैं, ठीक है मैं अभी राइट करता हूँ। थोड़ा सा बैलेंस बिगाड़ दिया, मंदराचल पर्वत तो नीचे गिरा, जाने कितने देवता और दैत्य नीचे ही दब गए, तमाम के हाथ पैर टूट गए, खंडित हो गए। दैत्य बोले पर्वत तोड़ा नहीं जाना, मंदन क्या घाक करेंगे, हम तो नहीं कर रहे भैया, तुम्हें जो करना करो। देवताओं ने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है, ये चली जाएंगे तो मंदिर कैसे करेंगे अकेले। तो भगवान आए, एक हाथ से उठाए और जगह पर स्थापित करने के लिए ले गए, लेकिन जैसे पर्वत रखने लगे तो डूबने लग गया, अरे ये डूब गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान ने तुरंत कच्छप अवतार धारण करके समस्त मंदराचल पर्वत के क्षेत्र को अप...
अपनी पीठ पर धारण किया और वहीं पर मंथन घटित हो सका। तो वो लोग कच्छप भगवान की जय हो। इस प्रकार कच्छप भगवान का अवतार यहाँ पर आया है। अब आगे क्या हुआ? अब रस्सी कौन बनेगा? तो वासुकी नाम को राजी कर लिया। बोले हम क्यों अपनी जीजा था नहीं कराना भैया फ्री में मंथन, और मंथन से अमृत निकलेगा वो तुम पियोगे। बोले महाराज आप निश्चित रहो, जब अमृत निकलेगा ना तो सबसे पहले हम आपको ही देंगे। तो चलो भैया अपन को भी अमृत मिलेगा, ये बात सुन के वो भी राजी हो गए। थोड़ा बहुत खींचा था नहीं, चलो करा लेंगे अपन। वासुकी नाग रस्सी बनने के लिए तैयार और लग गए। अब दोनों तरफ से दर्शन होना शुरू होना ही था। उसी समय भगवान ने विचार किया, अब जो भी मुंह की तरफ लग गया सर्प की उसी की हो जाएगी विडंबना और पूछ वाले फायदे में रहेंगे। तो जान पूछ के उल्टी बात बोले भगवान। भगवान बोले देखता हूँ, देखता हो तुम लोग श्रोत्रिष्ट कुल में जन्म लिए और ऋषि कश्यप के पुत्र हो, आगे तुम्हें लगना तो ले जाओ पीछे लग जाओ। इस ढंग से भगवान ने बात की, दैत्य बिगड़ गए मचल गए। अरे महाराज तो क्या आपने हमें क्या विवेकानंदन का समझा है, मंथन हो गए या ना हो गए आगे लगेंगे तो हम ही लगेंगे। भगवान बोले ठीक है भैया तुम बड़े बाप का बेटा हो भैया, जाओ आगे लग जाओ, जाओ देखता हूँ तुम लोग पीछे लग जाओ। भगवान जानते थे ये लोग उल्टी खोपड़ी के हैं, जब कहोगे उल्टे ही करेंगे, उल्टा कहा सीधा अपने आप हो गए। अच्छा आप ऐसे देखें प्यारी प्यारी माताओं, एक पंडितानी जी का भी यही हाल था, शायद आपने कहानी सुनी हुई कथा। पंडित जी जो कहते हैं सो उल्टा करती पंडितानी जी, और रोज रोज का झगड़ा कौन करे, तो पंडित जी ने अपनी बात उल्टी कर ली। और जैसे चार चार मेहमान आ रहे हैं घर में, नाश्ता पानी कौन बनाएगा, पंडितानी जी, तो जानबूझ के उल्टा बोलते। बताओ देवी चार चार लोग आ रहे हैं, ये कोई होटल है कोई धर्मशाला है, नाश्ता पानी बिल्कुल मत बनाना, खबरदार जो कुछ बनाया तो कुछ मत बनाना। तो देवी जी बोली वाह महाराज चार क्या 40 आ जाए, कोई मेरे घर पे आएगा अगर मैं भोजन नहीं बनाऊंगी नाश्ता पानी नहीं बनाऊंगी मेरी नाकनी कट जाएगी, मैं तो जरूर बनाऊंगा, ऐसे काम चल जाता। अब एक दिन भाई पंडित जी के ध्यान में आया, भाई अब हरिद्वार का कुंभ आ गया है, हर की पैड़ी पर स्नान करने अपनी पत्नी के साथ में यदि जाते हैं तो ज्यादा फल मिलेगा। तो ये सोच करके उन्होंने कहा देवी 12 सालों का कुंभ आया है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन देखो अपन को झंझट में नहीं पड़ना, अरे भगवान का नाम लेके दो बाल्टी ज्यादा से ना लेके हो गया कुंभ स्नान, वहां पर तमाम धक्का मुक्की भीड़ भाड़ बहुत परेशानी होती, अपन भैया ही ना लेंगे, अपन को नहीं झंझट में पड़ना। पंडितानी जी बोली वाह महाराज 12 सालों में कुंभ आता है, तुम नाते रहो बाल्टियों से, मैं तो जा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है हम भी चलते हैं, पर खबरदार जो नाश्ता पानी बनाया तो कौन खोपड़ी पे लगता पड़ेगा, कौन सर पे लगते इधर उधर मटकेगा। रास्ते में तमाम होटल धर्मशाला खाते पीते चलेंगे। पंडित आई जी बोली वाह महाराज इतनी दूर जा रही हूँ, नाश्ता पानी तो मैं जरूर बनाऊंगी, ऐसे काम चल गया। अब पहुंच गया हरिद्वार हर की पैड़ी। अब प्यारी प्यारी माताओं जब तक पंडित जी नाल करके आ गए वापस तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया चलता रहा। लेकिन जैसे ही पंडितानी जी की नहाने की बारी आई पंडित जी के मुख से अचानक से सीधी बात निकल गई। क्या निकली? पंडित जी बोले देवी जी धारा बहुत तेज है किनारे बैठ के नहीं हो। और देवी जी बोली अच्छा इतनी दूर से आई हूँ, मैं तो बीच में जाके नहाऊंगी किनारे बैठ के नहाऊंगी। बीच में नहाने चल गई और पता चला बीच में नहाने गई तो गोविंदाय नमो नमः बहती चली गई। अब पंडित जी सोचे भैया ये क्या हो गया मुझसे, इतने ध्यान से मैं समझ समझ के बात कर रहा था कैसे मेरे मुख से सीधी बात निकल गई गंगा जी के सामने। अब चिल्लाए जाल लाओ भैया जाल लाओ हमारी पंडितानी बहने। अब जाल लाने आए, अब पंडितानी जी वही इधर धारा इधर है, पंडित जी बोले इधर जाल डालो। बोले इधर क्यों भैया, वो तो इधर वही होंगी। बोले ना ना भैया जिंदगी में मरते मरते भी उल्टी ही चली है तो उल्टी ही वही होगी। तो कुल मिलाकर ऐसे भी लोग होते हैं उल्टी दिमाग वाले, भगवान जानते ही ऐसे ही है, उल्टा करो सीधा अपने आप होगा, उल्टा कहा सीधा अपने आप होगा। अब हुआ क्या, जब खींचातानी चालू हो गई तो वासुकी नाग के पेट में घर्षण हुआ। अब जो वो घर्षण हो रहा था ना, उस घर्षण के कारण वासुकी नाग गरम गरम फुसकारें छोड़ने लग गया, उसकी इतनी गरम गरम फुसकारें कि उसकी फुसकारें देख पापा के मुंह की तरफ कौन लगाता, देखते सारे देवते काले पड़ गए और आपस में बातें करने लग गए और बन लो बड़े बाप का बेटा। देखो पूछ की तरफ देवता छोटे बनने के कारण कितनी आनंद से कितनी मस्ती से लगे और अपन बड़े बनने के चक्कर में चले जा रहे जली जान।
इसीलिए छोटे बनकर रहो, सदैव छोटे बनकर रहना चाहिए। छोटे बनने में बड़े लाभ है, बड़े बनने में बड़े हानि है। जैसे गाय का बछड़ा जब छोटा होता है तो कितना मस्त किलकारियां भरता है, अपनी मैया का दूध पीता है, और जब बड़ा होता है तो भूसा खाने को मिलता है, हल चराने को मिलता है। छोटे बछड़ा पै पिए, बड़े होए भूस खाए, छोटे बनने में। अब आप परिवार में देखो, जितना छोटा बच्चा घर में होगा वो उतना टेंशन फ्री, उतना मस्त होगा, और जितना बूढ़ा होगा उसे उतनी ज्यादा टेंशन ही होगी। यानी कितने लोगों की तो टेंशन अकेले लेके घूमते, तो छोटे बनने में ही मजा है। आप ऐसे भी देख सकते हो, भाई हमारी माताओं की भाषा में बात की जाए तो कोई भी छोटी मोटी चीज बनानी हो तो फटाफट बन जाएगी, चटपट करते। और वो आप कोई बड़ा बनाना हो, जैसे दही बड़ा या कोई भी बड़ा, तो पहले दाल गला और तमाम प्रोग्रामिंग करना पड़ती है पहले से। तो उस हिसाब से आप देखें तो बड़े में बड़े जन जाते, छोटे में बड़े आ जाते। ऐसे आप देखो कि जो दुआ होती है वो कितनी छोटी होती है, और वृक्ष कितने बड़े होते हैं। अच्छा, जब बाढ़ आती है और तूफान आता है ना, तो इन वृक्षों की गिरने की संभावना ज्यादा, डर इन पे रहता है, इतने हवा चली और हम गिर गए, दूबा का क्या बिगड़ता है। बाढ़ आ जाएगी, वृक्ष तो बह जाएंगे, पर दूबा का कुछ नहीं बिगड़ता। किसी ने पैर रख दिया तो दब गई, निकल गया तो वैसे की वैसे। छोटे बनने में बड़े आ जाएंगे। अच्छा भैया, कितना छोटे बन के राज आए फिर, जब ये बात आती है, ये प्रश्न आता है, तो ये भी बताया गया है, अढ़ाई के बीसों हिस्सा। राई का दाना आप जानते हो कितना छोटा होता है, उसके एक दाने के 20 टुकड़े करो, फिर जो एक बचे उसके फिर 20 टुकड़े करो, और फिर जो एक बचे उससे भी छोटे बनकर रहो। राई के बीसों हिस्सा तापुनी पाछे बीस, ताते नन्हे भय रहो, तब मिले हैं जगदीश, तब मिले हैं जगदीश। इतने छोटे बने। और अब समुद्र मंथन आगे बढ़ा, तो सबसे पहले हलाहल विष निकल गया, महाभयंकर विष। सब देख करके घबराने लग गए, भागने लग गए। तब ये देख करके जो ठाकुर जी हैं, उन्होंने सबको कहा कि अरे निश्चिंत रहो, सारा जहर इकट्ठा करो और ले चलो भोले बाबा के पास में। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन, त्राहिन शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाधिशाल, त्रैलोक्य दहनाधिशाल। पहुंच गए सब और भोले बाबा से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हे भूत बावन भोलेनाथ, इस त्रैलोक्य को भस्म करने वाले महाभयंकर विष से आप हम सबकी रक्षा कीजिए। भोले बाबा के बगल में पार्वती मैया बैठी थी, बोले देवी ये सब जहर पिलाना चाहते हैं, पी जाए क्या? तो पार्वती मैया एकदम से तो कुछ कह नहीं पा रही, तो वो कह रही महाराज वही करो जिसमें सबका भला। बोले पीजे जहर? बोले नहीं महाराज वही करो जिसमें सबका भला। चलिए बोले अब सबका भला तो इसी में है कि हम पी जाए, चलो पी लेते। ततः करतलीकृत्य व्याप्तम हानालुम विषम, अवक्षयन महादेव कृपया भूत वामन। और जैसे ही भोले बाबा ने अपने मुख में जहर लिया, इतने में याद आया, अरे राम राम ये मैंने क्या कर दिया, हृदय में तो मेरे राम जी सदा निवास करते हैं, और अगर मैं घटक गया तो राम जी को बड़ा कष्ट होगा, पता नहीं कष्ट नहीं होना चाहिए, बाहर छोड़ दो। अरे अगर मैंने भमन कर दिया तो संसार भस्म हो जाएगा, तो क्या करूं? जब कोई उपाय नहीं आ रहा था तो उन्होंने राम नाम का सहारा लिया। रा कहते ही मुंह खुल जाता है, मां कहते ही मुंह बंद हो जाता है, राम। तो रा कहकर सारा जहर अपने मुंह लिया और मां कहकर मुंह का ढक्कन बंद। राम नाम का सहारा लेके भोले बाबा ने जहर को कंठ में ही अटका लिया, ना अंदर जाने दिया ना बाहर आने दिया। भोले बाबा गोरे थे एकदम कपूर की तरह, लेकिन जब कंठ में जहर आ गया तो एकदम कंठ नीला पड़ गया, तभी से हमारे भोले बाबा का नाम भी नीलकंठ पड़ गया। बोलो नीलकंठ महादेव की जय हो। इस प्रकार हमारे भोले बाबा सदैव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, बड़ी करुणा के अपार हैं। एक बार बहुत सारे भूत प्रेत पहुंच गए उनके पास, बोले प्रभु हम बड़े परेशान हैं। क्या परेशानी बोलो? कहा प्रभु हमें कोई घर में नहीं घुसने देता, कहीं जबरदस्ती घुस जाए तो तंत्र मंत्र की विद्या से बोतल में बंद करवा के और जमीन में और गड़वा देते।
कुछ करो प्रभु, अब आपकी शरण में आए हैं। भगवान बोले, जिसके लिए सारे संसार का द्वार बंद है, मेरा द्वार सदैव खुला है, आयो मेरे पास में। और उनको अपना गढ़ बना कर रखा। और तो और भैया, जब पार्वती जी के साथ जब विवाह होने जा रहा था, आपने दूसरे दिन कथा सुनी थी, तो इन गढ़ों को बराती बना कर ले गए बोले बाबा। पता भूत प्रेतों को कोई शादी में बुलाता है? किसी ने बुलाया आज तक? लेकिन बोले बाबा ले बड़ी करना क्या था। एक बार बहुत सारे सब पिछू आ गए, बोले महाराज हम भी परेशान है। बोले तुम्हें क्या परेशानी? बोले महाराज आपके भी कंठ में जहर है, हमारे भी मुख में जहर है, लेकिन आपकी तो सारा संसार पूजा करता है, आरती उतारता है, और हम तो उन्हें बस दिखे ही जाए, फिर तो ऐसी आरती उतार दे कि हमें कुचल कुचल के मार डालते हैं। हाँ हमारी बुरी बड़ी बुरी दुर्दशा है प्रभु, आप कुछ करो। तो भगवान ने कहा चलो सब मेरे पास आ जाओ। और सारे इन विषैले जीवों को, सांप बिच्छुओं को, तमामों को भोले बाबा ने अपने शरीर का आभूषण बना लिया। कानों में कुंडल की जगह बिच्छू लटका लिए, गले में सांपों की माला पहन ली। तो इस प्रकार जब हमारे भोले बाबा ने भुजंगों को भी धारण कर लिया, तो वे भुजगे नृहारम कहलाए। पर पूरे गौरम करुणा भोले बाबा। अच्छा, और देवताओं को किसी को ये प्रसन्न करने के लिए ये बने, कोई कोई ये इससे चढ़े भाई, इससे प्रसन्न होंगे, ये सफेद वाले फूल से, ये लाल वाले, ये पीले वाले से। लेकिन हमारे भोले बाबा को तो भैया राख दो तू रा, जो बने सो चढ़ाओ, भोले बाबा उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे करना क्या होता है? जो समाज का सारा कष्ट अपने ऊपर ले ले और अपने रहते समाज पर कभी कोई कष्ट ना आने दे, वही समाज का सबसे बड़ा शुभ होता है। सबकी रक्षा करने वाले वही तो आशुतोष है। और ये दृष्टांत से भगवान ने हम सभी को बता दिया है कि कितनी करुणा की अवतार है। सबके लिए अमृत पिलाने के लिए आज जहर पी लिया। अच्छा एक और बात देखो, विष पीने वाले और अमृत पीने वाले अलग अलग हैं। देवताओं ने अमृत पिया, तो भाई अमृत पीने वाले कौन बने? देव। और विष पीने वाले महादेव कहलाए, महादेव कहलाए। ऐसे हैं हमारे भोले बाबा, सारे संसार के लिए कैसे त्याग प्रदर्शन कराए, सबके कष्टों को दूर करने के लिए स्वयं कष्ट ले लिए और उनको अमृत पिलाए। आगे समुद्र मंथन में बहुत सारे रत्न निकले। उच्चेश्वर नाम का घोड़ा निकला, इंद्र बोला हम लेंगे, बलि बोला हम लेंगे। भगवान ने कहा इंद्र से सब्र रखो, बलि तुम ले। अब आगे घोड़े के बाद में हाथी निकला, ऐरावत हाथी घोड़े से भी सुंदर। अब दोनों लड़ रहे, ये भी हम लेंगे, बोले ये हम लेंगे। भगवान बोले बलि चीटिंग मत करो, तुमने घोड़ा लिया, इंद्र को हाथी लेने दो। हाथी इंद्र को मिल गया। बलि बोला महाराज अब थोड़ा घाटे में चले गए, अब आगे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद में कौस्तुभ मणि निकली, लड़ने लग गए। भगवान बोले सब तुम्हें तुम दोगे लोगे कि भैया अब हमें भी कुछ दोगे। सुंदर कौस्तुभ मणि भगवान को धारण करते हैं सबके सहमति के साथ में। और आगे बहुत सारी चीजें अप्सरा निकलती हैं, स्वर्ग में पहुंचती हैं। कल वृक्ष पहुंच निकलता है, स्वर्ग में पहुंचता है। फिर इसके बाद मदिरा निकलती है, बारूणी एकदम से आवाज देते हैं, ये हम लेंगे, ये हम लेंगे। भगवान बोले तुम्हें लो तुम्हारे काम की। फिर इसके बाद में तत्पश्चात श्री रमा भगवत परा मैया लक्ष्मी निकलती। और लक्ष्मी मैया अब कौन नहीं पाना चाहता लक्ष्मी? सब तो लाइन लगा के बैठ जाते हैं, पर हमारे हमारे जो विष्णु भगवान है वो किसी भी लाइन में नहीं बैठे, सबसे अलग बैठे। सब में देखने के बाद में कोई ना कोई कमी निकाल करके, अरे हाँ इसमें ये थोड़ा थोड़ा ही कम है, ये त्रुटि है, ये कम है। और बाद में जब विष्णु भगवान को देखा तो कारी ये तो बड़ी स्वभाव से ज्ञानी है, स्वरूप भी बड़ा प्यारा है भी बड़े सुंदर। लेकिन एक बात है, और लोगों में मुझे पानी की जो लालसा है, जो आकांक्षा है, वो ललक इनमें नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी एक गुण ही है। तो फिर देर नहीं लगाई, उन्हीं के गले में बरमाला डाल दी, तो बोले लक्ष्मी निवास भगवान की जय हो। अच्छा क्या इससे पहले लक्ष्मी जी और नारायण भगवान क्या पति पत्नी नहीं थे? ऐसा नहीं, ये तो नित्य वही स्वरूप धारण किए हुए रहते हैं, उस भाव में अवस्थित रहते हैं। लेकिन हुआ क्या का एक बार की बात है, चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, प्रभु जिस प्रकार संसार के लोग जब शादी की वर्षगांठ होती है वो मनाते हैं, 25 साल हो जाते हैं तो दोबारा से शादी भी होती है,
तो प्रभु मैं चाहती हूँ हमारे विवाह पर भी ऐसा कोई उत्सव हो। भगवान बोले अब हम तो अनादि हैं, ना हमारे आने का पता ना जाने का पता, और हमारे कभी विवाह होता तो तारीख फिक्स की जाती, विवाह ही नहीं हुआ। तो बोले नहीं प्रभु आप कुछ करो, तारीख फिक्स करो। तो आज जब समुद्र मंथन चल रहा था, भगवान ने इशारा कर दिया लक्ष्मी जी को, आ जाओ समुद्र को पिता बना करके और हमारा सत्य युजकरण कर लो, तो आज ही के दिन में तारीख फिक्स हो जाएगी। तो कौन सा महीना था? कार्तिक का महीना था, दीपावली का पावन अवसर था, और बस फिर क्या था, सबके सामने जैसी वरमाला डाली उसी दिन से लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा शुरू हो गई, दीपावली का पर्व मनाया जाने लग गया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की दीपोत्सव की। ऐसे ही मेरा माताओं से निवेदन है, आपके पास जो जो भी थोड़ा थोड़ा स्थान अगर बचा है तो थोड़ा थोड़ा और आगे सड़क आवे, पीछे वालों को स्थान देवे, ये भी एक तरह का दान ही है, जितना आप दे सकते हो दीजिए। और प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, कलयुग में दान का बहुत बड़ा महत्व है। प्रकट पदार्थ धर्म के कलिम हुए प्रधान, जैन केन विधि दीने दान करहूं कल्याण। शीघ्र सभी कर ले, विघ्न ना पड़े कथा में। ऐसे देखो भाई, परीक्षित जी महाराज के आंखों के सामने धर्म के कलयुग तीन पैर काट चुका था, लेकिन उन्होंने एक पैर की रक्षा की जो कि मात्र दान का ही शेष पैर बचा हुआ। तो आज भी इसी हिसाब से देखा जाता है कि कलयुग में भी दान का ही सबसे बड़ा महत्व है। जैन केन विधि दीने दान करहु कल्याण। और तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। इसलिए दान करने में कभी भी कमी मत छोड़ो, यदि आपको अवसर मिलता है तो अवश्य दान करो, अवश्य दान करो। अच्छा एक और प्यारी प्यारी बात, प्यारी प्यारी माताओं मैं आपको बताऊं कि आप कभी एक कटोरे में थोड़ा सा जल रख करके देखना, पहले देखना थोड़ी देर में उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, वो पानी खराब हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह मैंने भी रखे रखे दूषित होने लगता है, और यदि दूषित हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर वो धन हमारी इच्छा के विरुद्ध ही अस्पताल में, चोरी डकैती में, ऐसी जगह कोर्ट कचहरी वगैरह में जाम नहीं चाहते वहां भी लग सकता है, और फिर वो अपवित्र हो गया। तो यदि आप अपने धन को पवित्र बनाए रखना चाहते हो तो फिर उसका दान करते रहो, क्योंकि तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन।